हालत हमारे जुडिशरी की ये होगी कि आप वहां जाके बोलिए कि किसी के खिलाफ अटेम्प्ट टू मर्डर हुआ है, दे आर नॉट इवन विलिंग टू टेक कॉग्निजेंस एंड पुट इट ऑन द रिकॉर्ड। ये सिस्टेमिक फेलियर जो है, साथ के साथ कैसे एजुकेशनिस्ट हमारे आज कैसे हो गए हैं कि एजुकेशनिस्ट का आगे हाल है कि 2019 में दिल्ली यूनिवर्सिटी ने एक स्कैम को हमने बस्ट किया, जिसमें एक बिलिंग स्कैम, मेडिकल बिलिंग स्कैम दिल्ली यूनिवर्सिटी में चल रहा था। प्रोफेसर्स, एसोसिएट प्रोफेसर्स, यूनिवर्सिटी स्टाफ, कॉलेज स्टाफ इन्फ्लेटेड बिल्स जो है वो सबमिट कर रहे हैं, और ये ऐसे लोग जिनको बहुत अच्छी तनख्वाहें मिलती हैं, कुछ कुछ की तो मेरे को जिनको पता है 1 लाख से ज़्यादा की महीने की तनख्वाह है, और वो इन्फ्लेटेड बिल्स, और यहाँ तक मेरे को बताया गया कि फॉल्स बिल्स, डॉक्टर्स के फॉल्स प्रिस्क्रिप्शंस लोगों ने प्रिंट करा रखे हैं और उस पर वो अपना कुछ भी टाइप करके मेडिसिन डाल के और वो रीइंबर्समेंट के लिए कॉलेज में सबमिट कर रहे हैं। तो जिस देश में ऐसा काम होने लग जाए और उस स्कैम का इंफॉर्मेशन ना केवल उस कॉलेज, दिल्ली यूनिवर्सिटी, बट उस वक्त के सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को भी भेजा, क्योंकि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की एक ऑफिशियल डेजिग्नेशन है दिल्ली यूनिवर्सिटी में, प्रेसिडेंट की ऑफिशियल डेजिग्नेशन है, वाइस प्रेसिडेंट की ऑफिशियल डेजिग्नेशन है, उन सबको भेजा, लेकिन फॉलो अप करते करते यूजीसी चेयरमैन को तक भेजा, यूजीसी चेयर किसी ने कोई काम नहीं किया। 2023 में एक ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस का एक इवेंट था जिसमें बाई चांस यूजीसी के चेयरमैन आए हुए थे, यही जो अभी भी हैं, और उनसे मैंने तब उनको वो सवाल पूछा कि आपको ये मैंने इन्फॉर्मेशन दी थी, कोई उस पर एक्शन नहीं हुआ, तो और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस के लोगों ने भी उनसे कहा कि आप इसको रिजॉल्व कीजिए, तो उस बात को उन्होंने टरका दिया। तो जिस देश में अगर यूजीसी का चेयरमैन तक किसी स्कैम पे काम करने के लिए तैयार नहीं है, तो उस देश में इवेंचुअली ये एग्जाम लीक होगा, क्योंकि आपकी मानसिकता की ये बात है, आप 10 रुपये की चोरी कर रहे हैं या कोई 10 लाख के रुपये पेपर जो है लीक कर रहा है, फर्क, वो कहते हैं जहर, थोड़ा भी जहर है, ज़्यादा भी जहर है। तो हम एक ऐसा देश बन गए हैं जहाँ पे स्कैम्स पे काम ही नहीं हो रहा, वी आर बिकमिंग अ स्कैम नेशन। और ये आप देखिए कि जिस इंसान ने आपका इलाज करना है, कहते हैं लाइफ में अगर आपको सक्सेसफुल होना है, 3 लोगों के आप अगर आपके पास हो, आप हेल्दी और वेल्दी रहेंगे। वो 3 लोग कौन हैं? एक लॉयर, जेन्युइन गुड लॉयर, सेकंड गुड अकाउंटेंट, थर्ड विच इज़ प्रॉबेबली द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज़ अ गुड डॉक्टर। लेकिन अगर आज आपने अपना एजुकेशन भी कॉम्प्रोमाइज़ कर दिया और डॉक्टर्स जो आ रहे हैं सिस्टम में अगर वो भी कॉम्प्रोमाइज आ रहे हैं, तो ये विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन ऑफ योर रिलीजन आपका इलाज वही करेगा, क्योंकि उसकी नॉलेज उतनी है, उसको नहीं पता कि आप सिख हैं, हिंदू हैं, क्रिश्चियन हैं, मुस्लिम हैं, आप सभी इक्वली जो है इम्पैक्टेड होंगे। इमीडिएटली नेक्स्ट मुद्दा जो है इनरेगुलरिटीज इन यूपीएससी पे आते हैं, क्योंकि अब ये एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज की बात है, तो इनरेगुलरिटीज इन यूपीएससी, खासकर अभी ये जो पूजा खेटकर केस हुआ है पुणे में, आप देखिए कि किस लेवल तक ये दोबारा एक सिस्टेमिक रॉट की बात करता है कि इन्यूमरेबल उन्होंने फॉल्स सर्टिफिकेट्स और एफिडेविट्स दिए, एंड हमारा सिस्टम क्या कहीं पे भी चेक नहीं करता? एक आईएएस ऑफिसर का रिक्रूटमेंट होना है, मेरे को खुद पता है कि अगर हाई कोर्ट में किसी जज को अपॉइंट होना है तो उनका कितना बैकग्राउंड चेक और इंटेलिजेंस चेक सब कुछ होता है, लेकिन क्या एक आईएएस ऑफिसर, जो गिनती के आप आईएएस ऑफिसर्स हर साल रिक्रूट करते हैं, क्या आप उनके जो सर्टिफिकेट्स हैं आप वो भी चेक नहीं करते? क्या ये कैसे पॉसिबल हुआ कि आपके अपने रूल्स हैं जिसमें कि अगर किसी ने कोई एक आईसाइट का कहा है कि मेरी आईसाइट विजन ठीक नहीं है और उसका रूल है कि एम्स में ही आके आपको चेकअप कराना है, तो कैसे पूजा खेड़कर एक सर्टिफिकेट प्राइवेट मेडिकल इंस्टीट्यूट से दे पाती हैं और वो एक्सेप्ट हो जाता है?
और ये एक इकलौता केस नहीं है। मैं तो इनफैक्ट बहुत धन्यवादी हूँ पूजा केडकर का कि वो इस लेवल तक करप्शन को ले गई कि आज ये बहुत सारी चीज़ें सामने आ गई हैं। तो कितने ही और लोग जो हैं अब और केसेस निकल के आ रहे हैं कि जिन्होंने फॉल्स डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट्स दिए हुए हैं, फॉल्स लो इनकम कैटेगरी सर्टिफिकेट्स दिए हुए हैं, और आपको ये एक सिस्टेमिक रॉट और स्कैम यूपीएससी का आपको समझ आता है। क्यों ऐसे ऑफिसर्स को इमीडिएटली ना केवल फायर किया जाता है बट उन पर क्रिमिनल एक्शन लिया जाता है? अगर आप में से जो भी इसको देख रहे हैं, आप में से कोई भी अगर एक गलत काम करता है, इमीडिएटली पुलिस आप पे एक्शन लेती है, लेकिन ये आईएएस ऑफिसर्स क्यों इनको एक मियर पनिशमेंट पोस्टिंग दी जाती है? ये पनिशमेंट पोस्टिंग क्या होती है? शी इज बीइंग कॉल्ड बैक टू द एकेडमी, और वो भी क्या एक आई वॉश है कि आपने एकेडमी में वापस बुला लिया किस लिए? अ पर्सन हु इज डजंट इवन क्वालिफाई टू बी एन आईएएस इज फाइलिंग फॉल्स सर्टिफिकेट्स एंड एफिडेविट्स, वो Why has that person not been arrested immediately? That's the question we need to answer. इसमें मैं आपको और बताऊं कि आप सिस्टेमिक फेलियर देखिए कि दिल्ली में सीनियर आईएएस ऑफिसर्स कैसे ऑपरेट कर रहे हैं। आपको एज पर लॉ और एज पर रूल्स काम होता ही नहीं है। दिल्ली के चीफ सेक्रेटरी होम, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी होम, दिल्ली की डीएम कंझावला अंकिता आनंद, अश्विनी कुमार जो कि एमसीडी के डिविजनल कमिश्नर और प्लस एडिशनल चीफ सेक्रेटरी होम की पोजीशन रखते हैं, कंप्लीटली रूल्स को बाईपास करके काम कर रहे हैं। एक केस फाइल किया जाता है जिसमें ऑर्डर्स पास किए जाते हैं जिसमें ब्लेटेंट लाइज हैं, और अगर कभी भी एक केस फाइल होता है तो उसमें सबसे पहला काम पेटिशनर और कोर्ट का होता है कि ऑपोजिट साइड को आपने केस की कॉपी देनी है। विदाउट प्रोवाइडिंग अ कॉपी ऑफ द केस एंड डिस्पाइट पेटिशनर आस्किंग मल्टीपल टाइम्स फॉर ऑफ योर कॉपी ऑफ द केस, ये लोग ऑर्डर्स पास कर रहे हैं टू हार्म द पेटिशनर, और इसलिए एक इनके खिलाफ क्रिमिनल कंप्लेंट हमने दायर करी है विच वॉज सेंट टू द चीफ सेक्रेटरी ऑफ दिल्ली अंडर न्यूमरस सेक्शंस ऑफ आईपीसी। एक विजिलेंस इंक्वायरी बाय द जॉइंट कमिश्नर विजिलेंस इज ऑन गोइंग अगेंस्ट अंकिता आनंद, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट कंझावला, अगेंस्ट हर स्टाफ, अगेंस्ट एम बरनी हु इज एसडीएम सरस्वती विहार, अगेंस्ट प्रेमचंद हु इज तहसीलदार सरस्वती विहार एंड हिज स्टाफ, अगेंस्ट डिविजनल कमिश्नर दिल्ली विच इज अश्विनी कुमार एंड various other people who are IPS officers and even the commissioner of Delhi police Sanjay Arora. हालत हमारे जुडिशरी की ये हो गई कि आप वहाँ जाके बोलिए कि किसी के खिलाफ attempt to murder हुआ है, they are not even willing to take cognizance and put it on the record. And अगर national capital of the country में ये हाल है, मुझे आपको बताने की ज़रूरत नहीं है कि बाकी देश में किस तरीके के हालात हैं। हमारे यहाँ पे हालात ये हैं कि अगर कोई पीड़िता पुलिस थाने या चौकी जाती है कि उसके साथ बलात्कार हुआ है, ऐसे भी केसेस इमर्ज हुए हैं कि वो पुलिस वाले दोबारा उसके साथ बलात्कार करते हैं। आंसर पे ले आते हैं। तो लास्ट एक जुडिशरी का हम देख लें कि कैसे जुडिशरी हर चीज़ को डिले कर रही है। इम्पॉर्टेंट मैटर्स हमने देखा मणिपुर में क्या हो रहा है, आप इलेक्टोरल बॉन्ड्स का देखिए, मणिपुर में तो 7-8 महीने का डिले कर रहे हैं, लेकिन इलेक्टोरल बॉन्ड्स में 7 साल के डिले के बाद वर्डिक्ट आता है, और वो 7 साल का डिले हमारी डेमोक्रेसी को कैसे डैमेज किया कि 18,000 करोड़ इलिसिट मनी, क्वेश्चनेबल मनी हमारे इलेक्शन सिस्टम में आया जो कि पार्टीज ने अपने प्रमोशन के लिए यूज़ किया और इस आम चुनाव में यूज़ किया। अगर आपने चलिए 7 साल बाद वर्डिक्ट दिया, तो इमीडिएटली क्या आपका काम ये नहीं था कि उस मनी को भी आप इमीडिएटली जब्त करते? जिन्होंने अनकॉन्स्टिट्यूशनल स्कीम बनाई उनको पनिश किया जाता, जिन्होंने अनकॉन्स्टिट्यूशनल स्कीम के बेसिस पे पैसे लिए उनको पनिश किया जाता, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। ईवीएम्स को, ईवीएम के मुद्दे पर हमने देखा किस तरीके से लास्ट मिनट तक, इलेक्शन से पहले तक
उस पिटिशन को लगाया ही नहीं गया, और जब वो लगाया भी गया तो किस तरीके से और क्या सुनवाई हुई। हमारे जुडिशरी को अगर इतना भी नहीं पता कि फ्लैश ड्राइव कैसे काम करती है और वो आपको ऑर्डर्स दे रहे हैं, पास कर रहे हैं कि ईवीएम इज सिक्योर और इसे हमें क्वेश्चन नहीं करना चाहिए, अगर क्वेश्चन नहीं करेंगे तो जवाब कैसे आएगा। आज के डेट में ईवीएम्स मैक्सिमम कंट्रीज में बैंड हैं, जिन्होंने बनाई ईवीएम वहाँ भी बैंड है, लेकिन जुडिशरी ने फैसिलिटेट किया कि ईवीएम से दोबारा चुनाव हो। उसके जो चुनाव के नतीजे हैं उसमें भी फ़र्क पता चल गया। एक पिटिशन हमने डाली कि कैसे ईवीएम इलेक्शन के मूल आधार को ही जो है वो डिफीट करती है, जो कि आपकी सीक्रेसी ऑफ वोट है। अगर आपकी सीक्रेसी ऑफ वोट कॉम्प्रोमाइज्ड है तो कैसे हम ईवीएम पे चुनाव करा रहे हैं। लेकिन उस पिटिशन को भी इमीडिएटली डिसमिस किया गया। रिव्यू फाइल करी तो सुप्रीम कोर्ट की रजिस्ट्री रूल्स के बारे में हमारे को झूठ बोलती है। अगेन एंड अगेन वी आर लाइड बाय द रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया बाय पीपल हु आर हायर्ड बाय द पीपल ऑफ इंडिया टू वर्क फॉर पीपल ऑफ इंडिया। सो वी फाइल्ड अनदर क्रिमिनल कंप्लेंट अगेंस्ट द सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्रार्स एंड स्टाफ सेइंग दैट यू आर लाइंग टू अस अबाउट द रूल्स एंड मैंडेट्स एंड गाइडलाइंस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया।